ये रागनी चाप सिंह और सोमवती कहा जाता है। प्रेमी सजनों, जिस समय भरी सभा के अंदर शेर खान ने चाप सिंह को सुनाकर यह कह दिया कि भाई हिंदुओं के अंदर जो औरतें होती हैं वो पतिव्रताएं नहीं होती, चरित्रहीन होती हैं, चरित्रवान नहीं होती, ये बात चाप सिंह को बहुत बुरी लगी और ये कह दिया कि शेर खान आज तो तूने ऐसी बात कह दी है, अगर आज के बाद ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो तेरी जुबान को खींच लूंगा। प्रेमी सजनों, यहां कवि ने कुछ सोचा और लिखा, ये कहने लगे चाप सिंह की सारे जमाने का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में जो मेरी औरत है वो बिल्कुल पतिव्रता है, उसके अंदर वो सभी गुण है जो एक अच्छी औरत के अंदर होने चाहिए। कवि ने बताया कि अच्छी औरत के अंदर क्या क्या गुण होने आवश्यक हैं, होने चाहिए, और क्या क्या लिखा सुने जरा, रागनी को सुने जरा क्या कुछ बताया कवि ने। और किरण मई पतिव्रता के गुण मैं खोल सुनाऊं सारे, और जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन लो न्यारे न्यारे, जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन लो न्यारे न्यारे, तेरे किरणमयी पतिव्रता के गुण और सुनाओ सारे, जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन लो न्यारे न्यारे, जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन लो। ससुर की पहल रात दिन धाम समझ के करे थी हो, अपना कर्तव्य टेम टेम आराम समझ के करती हो, भजन राम का सुबह शाम नित काम समझ के करे थी हो, काम समझ के करती हो, मेरा भव सागर से पार हुई रे, भव सागर से करके पछतावे रे, करनी करके पछतावे, मिले कर तब के फल हमारे, जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन ले न्यारे न्यारे, जितने गुण क्रिया में चाहिए सुन ले न्यारे।
सुबह 4 बजे उठ जाना, घर का काम काज करना, सासू के पैर दबाना, लेकिन आजकल 4 बजे उठा दी तो लड़ाई और हो जाएगी। बाप के यहाँ कभी नहीं उठी 4 बजे और तेरी माँ 3-4 बजे से ही उठ उठ उठ, मतलब लड़ाई होने की संभावना बन जाती है। सासुओं के पैर दबाना तो आजकल के कलयुग में बहुत बड़ी बात है, उल्टे ही दबा लेंगी फूफी। पर खैर कलयुग है, तीसरी कली में क्या कुछ बताया सुने। हाँ पतिव्रता कहलावे रे, वो पतिव्रता पतिव्रता के गुण खोल स्वामी।